यहाँ हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव अरेस्ट किए हैं, डिटेन किए हैं। आप हमें अरेस्ट किए किस कारण से? लखीमपुर आप जा रहे हैं, ठीक है, संभावित है कि उस वहाँ पे माहौल और टेंस हो जाए, उसको रोकने के लिए अंडर 151 CRPC हमने आपको यहाँ प्रिवेंटिव डिटेन। लखीमपुर खीरी तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, बॉर्डर यहाँ से 40 किलोमीटर। तो ये तो पुलिस थोड़ी तय करेगी कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हम आपको नहीं तय कर रहे हैं, हम आपको डिटेन कर रहे हैं। क्यों? वहाँ जाने से रोकने के लिए। तो वहाँ जाने के बीच में तो अभी और एक क्षेत्र पड़ेगा, कई थाने आएंगे, तो आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं, यहीं पे है, यहीं पे बैरियर है, यहीं पे बैरियर है। हाँ, यहाँ आपको रोका गया। तो मुझे ये बताओ कि आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता? नहीं जी, आपके लिए मना किया गया। किसने मना किया? मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, और किसने मना किया? आइए आइए। नहीं, पहले बताइए तभी तो जाएंगे। यहाँ पे आप अरेस्ट हैं। नहीं यार, फिर वही, ऐसे कैसे जवाब दीजिए की मैं वहाँ जा सकता हूँ? नहीं, अरेस्ट करने के मुझे किसी आदेश की जरूरत नहीं। हम बताइए, मैं भी लॉयर हूँ, मैं भी जानता हूँ, IPC भी जानता हूँ, एविडेंस भी जानता हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राह चलते व्यक्ति को रोक के आप कह रहे हैं कि हमने आपको अरेस्ट किया है, ये उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है? राह चलते व्यक्ति में और आपके साथ जो 25-30 गाड़ियां चल रही, दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है? ये 25-30 गाड़ियां तो यहीं की है। नहीं, इसमें कम आपके साथ आई, इसी जिले की गाड़ियां 25-30? नहीं, 25-30 जिले गाड़ियां लेके चलना, ये कहां का सर? कौन सा ये पुलिस तय करेगी? नहीं सर, कोई 25-30 गाड़ियां लेके चलेगा नहीं चलेगा? एक मिनट सर, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए आपको डिटेन किया जा रहा है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है। नहीं, अनुरोध के मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपका अनुरोध तो मालूम, अगर ये किसके आदेश में है? आप बैठ ले पहले। हेलो, पुलिस लाइन पे है। मेरी बात सुनिए, बहुत देर से देख रहे हैं आप, स्क्वाड साथ में आपको अगर नजर बंद रखना है तो लखनऊ रखी जाएगी। आगे बढ़ाओ यार, भैया भैया भैया, क्या मुख्यमंत्री हमारी हत्या कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप ऐसी कैसी बात करो, आप समाज के नेता हो। तो फिर मुख्यमंत्री अगर हमारी हत्या करवाना चाहता तभी तो ये सब ड्रामा कर रहा है। रात को 3 बजे क्यों रखा हुआ है हमें? मेरी बात मुझे बिल्कुल शक है कि मुख्यमंत्री SSP के थ्रू हमारी हत्या करवाना चाहता है। ऐसी कोई चीज नहीं है, सुरक्षा यही है। मैं इस बात को, मैं पुलिस की सुरक्षा में क्या भरोसा करूँ? पुलिस लाइन क्या? पुलिस लाइन या तो जेल में हत्या होती है। नहीं नहीं, पुलिस ऐसी नहीं। क्या मुख्यमंत्री को लगता है कि वो हत्या करवा देगा हमारी? नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप समाज और क्या है, ये क्या है? मुझे आप क्राइम बताएं, मेरा गाड़ी में घूमना क्या क्राइम है? कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं नहीं, बस आज गाड़ी आ रहे हैं, प्लीज देखा आप बात कर लो। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैं ट्वीट करूंगा कि सीतापुर पुलिस और मुख्यमंत्री के साथ मेरी हत्या कराना चाहती है। अरे नहीं, ऐसा ऐसी ये रात को 3 बजे क्या मतलब है रखने का? आप जो है प्लीज जो है वो न करें, आप खुद गाड़ी में बैठ जाइए। अगर किसानों की लड़ाई लड़ना गुनाह है तो मैं करूंगा। किसानों की हत्या क्यों करवाई? मुख्यमंत्री ने करवाई हत्या, उनकी उनका मंत्री शामिल है। ये मजाक बहुत देर होगी, अब चलेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री लगता हो मेरी हत्या करवा देगा तो उससे होगी नहीं। मैं समझ गया हूँ कि उसको वो सोचता है कि उसकी हत्या करवा देंगे, कम लोग हैं, मैं नहीं लड़ता मुख्यमंत्री। आप गाड़ी मान लो, कहाँ आपके अधिकारी हैं? हम कह रहे हैं आपको सुरक्षा देना, तो आप चलो ऐसे लखनऊ में लेके। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा क्राइम बताएं। आप अपने आए ना SSP आगे बताए, कोई हम उनके गुलाम थोड़ी हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो फिर SSP तनख्वाह लेते हैं, DM तनख्वाह लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, हम तो मेहनत से खाते हैं कमा के। ठीक है, नहीं चलेगा ना, आप जवाब दो और उनसे पूछ लो। हेलो,
अच्छा नहीं है और लोग भी उसको भेजते हो और हमें रोकते हो, गलत बात जा रहे हैं लोग। संजय सिंह का क्या है यहाँ यूपी में? तो वहाँ पकड़ गए थे, दीपक सिंह अदर्शी पकड़े गए थे, एक बोले स्कोर पकड़ गए, उनकी गाड़ी खोजी जा रही है, उसी में लगे हुए। बताओ एक एक लीडर लोग गाड़ी नहीं खोजी जा रही। अच्छा आप हमारे साथ लखनऊ तक चलेंगे तो आपका स्वागत है। वो जा रहा है आपके साथ, कौन जाएगा? मेरे इंस्पेक्टर खैराबाद, बता के मिलवा के भेजना। बहुत 3 घंटे 3.5 घंटे बहुत माहौल ठीक नहीं है, हम समझते हैं। अच्छा बोल नहीं ठीक है। किसानों के आंदोलन को कुचल तो रही थी लेकिन अब किसानों को कुचलना शुरू करवा दिया। ये बड़े दुख का समय है। आज हमारे भी भाई लचंदर सिंह जी, दलजीत सिंह जी, लवप्रीत सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी, ये चारों शहीद जो है, करता हूँ ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो शहादत हमारे किसान भाइयों ने यहाँ दी है, एक तो ऐसा जिसकी 2 बहनें हैं और वो अकेला ही भाई था, लवप्रीत सिंह। मैं उन बहनों से भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग आपके भाई हैं और उन माओं के बेटे भी हैं जिन्होंने अपना पति या पिता खो दिया, जिन बहनों ने भाइयों ने। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि किसान तो जीतेंगे लेकिन ये जो जालिम सरकार जो हौसले तोड़ने का काम कर रही थी, हौसले नहीं टूटेंगे, साधन से हौसले नहीं टूटते कभी। साधन से तो क्रांति पैदा होती है। आज जो क्रांति यहाँ से पैदा हुई है वो पूरा देश देख रहा है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अब किसानों की जो मांग थी जिसके लिए वो 10 महीने से अड़े हुए थे, इस जालिम सरकार को वो भी सुननी पड़ेगी। लेकिन जब तक हमारे भाइयों के कातिल गिरफ्तार नहीं होते, उनको सजा नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई जो है अधूरी रह जाएगी। तो मैं दोबारा से शहीदों को नमन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ साथियों, आज घर जाके सो मत जाना, इस लड़ाई को छोड़नी नहीं है जब तक जीतनी नहीं है। अगर कौन के सुर में गुरु साहिब ने तो आपको दरबारी बख्शी थी, बादशाही बख्शी थी, बादशाही आपको सरदारी बख्शी थी, आज क्या हालत हो गए कि जिनको देश की रखवाली बख्शी थी आज इनके कत्ल हो रहे हैं, खुलेआम कत्ल किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। हमें अपने भाइयों की, अपने किसान प्राव की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमारा मैं यहाँ इस मंच से घोषणा करता हूँ कि हमारा खून का एक खतरा इस आंदोलन में शामिल रहेगा और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आज घोषणा की थी, पूरे देश के जितने डीसी दफ्तर है उन पे मोर्चों की, तो उन मोर्चों पे भी हमने समर्थन किया था। हमारी टीम मोर्चों पे भी समर्थन कर रही है और जो जो आदेश संयुक्त किसान मोर्चे का होगा, किसान प्राव का होगा, हम उस पे खड़े उतरेंगे।
मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नौजवान इस देश की रीढ़ है, नौजवानों के कत्ल हुए, नौजवानों को सोचना चाहिए। क्या इस देश में अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गलत काम है? अगर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी का हिस्सा नहीं छीन रहे हैं, वो अपनी मांगों पे खड़े हैं और उनकी मांग जायज है। सरकार के लाख पहलों के बावजूद हम लोग यहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने खुद से वादा किया था कि उन शहीदों के अंतिम दर्शन करने हैं और यह संकल्प लेना है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती, हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिलता, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत आप सब लोगों का आभार कि आप लोग बड़े मोर्चे में तैनात हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे विनती करूंगा कि आप सब लोग जो हैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। जो बोले तारीख को चैलेंज किया कि हम देख लेंगे और कल ये दोहरा दिया गया। ये तकलीफ पूरा देश देख रहा है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सजा मिले, वो लोग वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर अन्याय को हम लोग बढ़ावा देंगे तो वो और जगह पे अन्याय करने के लिए उनको खुली छूट मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी मांग ये कि किसान विरोधी जो कानून है जिसके लिए किसान 10 महीने ज़्यादा समय से सड़कों पर बैठा हुआ है, हजारों की संख्या में वहाँ जाने गई है, मैं चाहता हूँ कि अब वो उनकी मांग को पूरा करने का समय सरकार के पास है और सरकार को किसानों का, मजदूरों का, देश के अन्नदाता का दर्द समझना चाहिए। अगर आज भी प्रधानमंत्री इस चीखों पे, इस दर्द पे चुप हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बस चंद पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री। पहले ये खबरें थी कि आपको जो है रोक दिया गया था सीतापुर में, रोक दिया गया था, रात अरेस्ट रखा गया 3.5 घंटे। मेरी समझ में आया कि यहाँ आप अपने पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते, उनकी तकलीफ नहीं जान सकते हो और उनकी तकलीफ को बयां नहीं कर सकते हो। तो ये तकलीफ मुझे कल थी, मुझे अरेस्ट किया गया था सीतापुर में, 3 घंटे रखा गया और मेरी समझ में आया कि ये सरकार मुझे ऐसे नहीं जाने देगी। फिर मैं अपने साथियों के भरोसे, यहाँ की कमेटियों के भरोसे मोटरसाइकिल से जो है पूरी रात 4 बजे से चल के और अब यहाँ हम लोग 11 बजे पहुँचे हैं। खुशी इस बात की है कि जो वादा खुद से किया था कि वहाँ जाना है, उन शहीदों को नमन करना है और वहाँ संकल्प लेना, उसको हमने आज पूरा किया। लेकिन असली खुशी तब होगी जब इनके कातिलों को सजा मिलेगी और वो किसान विरोधी जो कानून है ना वो वापस हो और किसान देश का अन्नदाता खुशी से अपने घर जाएगा। असली खुशी उस दिन होगी। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं क्योंकि मामला जो है दर्ज हो चुका है मंत्री और उनके बेटे पर, इस मामले से खुश है या इससे ज्यादा आप लोगों को? नहीं, खुश किस बात के? क्या मंत्री जी को, अगर मंत्री जी को भी सजा हो जाए तो क्या हमारे किसान भाई वापस आ जाएंगे? क्या लवप्रिय जिसकी 2 बहनें हैं वो वापस आ जाएंगे? क्या एक भी आदमी को लौटा सकती है सरकार? लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रशासन यही मौजूद था, उनकी मौजूदगी में हुआ है, इस साजिश में सब लोग शामिल हैं। उन अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ। ये हत्याकांड नहीं, ये सिर्फ एक चेहरा है, ये एक आईना है देश को कि जो भी अपने हक अधिकार के लड़ेगा, बात करेगा, उसको ये सहना पड़ेगा। तो हम सहेंगे, हम देखते हैं कि इस तानाशाही सरकार में कितने कत्ल करने की ताकत है। हमारे सरे जो है ना, हमारे सर इनके आगे हैं, ये कत्ल करें लेकिन आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। आंदोलन